सिरोही मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर झाड़ोलीवीर गांव पड़ता है। बहुत पुराना गांव, और इस गांव के जंगल में, इस पहाड़ी की गोद में एक मंदिर है जिनको वावेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। 330 सीढ़ियां चढ़कर इस मंदिर में पहुंचते हैं। मुख्य द्वार सड़क के पास है और उसके बाद में 2-3 दरवाजों से होते हुए इस मंदिर में पहुंचते हैं। कई धर्मशालाएं हैं और यहाँ मठ भी है, अर्थात यहाँ साधु संतों की तपस्या का हमेशा रहता है। यहाँ मठाधीश रहते हैं और नियमित रूप से यहाँ पूजा अर्चना के साथ लोगों का आना जाना रहता है। पहाड़ी की काफ़ी ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की कई बातें हैं। यहाँ जो गंगा का कुंड है उसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता। यहाँ 5 पांडवों ने तपस्या की थी, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी तपोभूमि भी ये श्री वावेश्वर महादेव मंदिर मठ रहा है। बड़ा कमाल का मंदिर है। यहाँ की हर बात बड़ी कमाल की है। श्री वावेश्वर महादेव मंदिर पहाड़ी के ऊपर, ये बहुत खूबसूरती से इसकी व्यवस्था को यहाँ वर्तमान में श्री रूपपुरी जी महाराज विराजते हैं, हम इनको भी नमन करें। यहाँ इस मंदिर के बारे में हम कितना भी बोल सकते हैं, इस मंदिर के बारे में कितना भी बताया जा सकता है। मेरा प्रयास रहेगा कि भगवान के हम दर्शन करें, जो स्वयंभू हैं, यहाँ संत हुए हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली है। यहाँ वर्तमान में गाधीपति श्री रूपपुरी जी महाराज हैं, जो युवा योगी हैं, युवा संत हैं, युवा तपस्वी हैं। श्री दत्तात्रेय नमे, जय गुरुदेव, ओम नमो नारायण। सिरोही जिले में 4 प्रमुख मठ हैं, उनमें से एक ये मठ भी है। यहाँ संत हमेशा रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े संतों ने तप किया है। उन्हीं में से एक संत हुए हैं महान तपस्वी श्री श्री एकाजराग श्री तपो पर निरंजन पुरी जी महाराज। इनको हम नमन करें, इनको हम भावपूर्ण नमन करें। एक कहावत हमने सुनी है, संत ना होते तो जल जाता संसार। ये सच्चाई है साहब। इस जंगल में, इस घनघोर जंगल में जहाँ जंगली जानवरों की भरमार होती है, वर्तमान में भले ही यहाँ भवन बने हैं, लेकिन जब ये संत तपस्या करते हैं, या बहुत पुराना मंदिर है ऐसा हमको यहाँ के महाराज जी ने बताया था कि 17-18 पीढ़ियों का एक इतिहास है संतों का। श्री द्वारिकाधीश मंदिर, यहाँ अनेक मंदिर हैं, हम इनको प्रणाम करें, इनको नमन करें। आज बड़ा सौभाग्य है देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से हम इस मंदिर में पहुंचे हैं। यहाँ धर्मशालाएं आदि हैं, वो पूरी मैं विस्तार से बताऊंगा। श्री मार्कंडेश्वर महादेव, मार्कंडेय ऋषि हुए हैं। यहाँ मूल मंदिर में स्वयंभू ज्योति शिव हैं, परमात्मा हैं। बड़ा कमाल का है, आप ध्यानस्थ होकर टकटकी बांध कर दर्शन करें श्री महादेव के, हर हर महादेव के। यहाँ पूरा, जिसको हम कहें कि त्रिदेव हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान हैं मध्य में, लक्ष्मी जी हैं और गणेश जी हैं, और स्वयंभू है, ज्योति स्वरूप शिव है। शिव भगवान ये स्थापित नहीं है, स्वयंभू हैं। हम दर्शन करें, मैं उस गंगा कुंड के भी आपको दर्शन कराऊं। ये संत हैं, वापसी हैं, मैं वापसी से आपको पूरी विस्तार से जानकारी लूं। उससे पहले 2-3 बातें मुझे जो बहुत अट्रैक्ट कर रही है। 5 पांडवों के नाम हमने सुने हैं महाभारत में। आप सोचिए कि पांडवों ने यहाँ पर भजन किया, तपस्या की, और उनके भजन के स्थान पर
यहाँ श्री सहदेव, श्री नकुल, ये उनके सबसे छोटे भाई थे, हम उधर से शुरू करें तो धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, धनुर्धारी अर्जुन, श्री नकुल और श्री सहदेव, इनकी इनकी यहाँ पे एक तरह से उनकी स्मृति में शिवलिंग है। और यहाँ दूध वर्णिनी गंगा, तो ये सब अब किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमको वापसी बता रहे थे कि इस जगह पर पानी कभी ख़त्म नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। ये गंगा का सौभाग्य है कि जहाँ शिव होंगे वहाँ गंगा को रहना ही होगा, ये सच है। तो हम गंगा मैया का आचमन कर लेते हैं साथ, ये हमारा भी सौभाग्य है। जय हो छींटे मारे हैं। और ये इस तरह से यहाँ सय जिसको कहें सैया पर विराजमान, ये पुरानी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। वापसी मैं पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। संत बने हैं आप और संतों के ऊपर भारत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारत की छोड़िए, संसार की जिम्मेदारी है, क्योंकि संसार उलझनों में फंसा हुआ है। आप एक युवा संत हैं और संस्कृति को बचाने में आपकी बड़ी भूमिका है। क्या वापसी इस मंदिर के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर बहुत एक ऐतिहासिक मंदिर है, बाबा शर्मा जी मंदिर है जी, बहुत पुराना है। पांच पांडव ने सेम शिवलिंग है ना, उन्होंने स्थापित की हुई थी। ओहो, पांच पांडव भी यहाँ पर 12 साल तप किया था। यहाँ पे 12 साल तप किया? हाँ जी, ठीक है। यहाँ पर एक मेन महत्व है, यहाँ पर सुमती मावस आती है जी, तो वहाँ पर यहाँ पर लोग कई लोग आके यहाँ पर घूमने आते हैं, मतलब बुनी जब बिना बोले यहाँ पर सुबह 4 बजे स्नान करते है। ओह, मौन होके पूरा स्नान करते हैं जी। तो उन्होंने पांच पांडव भी हमारे यहाँ पर यज्ञवास में घूम रहे, भारत में भ्रमण हो रहा था उनका जी जी जी। तो यहाँ पर हमारे वीर खेतर है झरोली के मनात्र में, वीर खेतर जी। तो वहाँ पर पांडव पंच पांडव रुके हुए थे वहाँ पे। हाँ हाँ, तो रुके हुए कारण फिर लोगों ने यहाँ पर बात की होगी कि मौन मावस को यहाँ पर मौन रहकर स्नान करते हैं ना, तो बहुत ही महत्व स्नान और धर्म पुण्य मिलता है। सत्य सत्य। तो यहाँ पर उन्होंने पांडव ने कहा कि हम भी जाके वहाँ पे इतिहास में जाके ये सातवीं काशी भारत की। हाँ हाँ, अच्छा, सात्विक। हाँ, यहाँ पर काशी विश्वनाथ महादेव है यहाँ पे। अच्छा, ये काशी विश्वनाथ महादेव जी 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 जी। यहाँ पर पूरी गंगा माई है अपने यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे इतिहास बोलते है गंगा से अपने काशी से गंगा प्रकट हुई यहाँ पे। जय हो जय हो। यहाँ पर पांच पांडव ने इतिहास ऐसा देख कर उन्होंने विचार किया कि हम भी जाके स्नान करके पुण्य प्राप्ति करें। यू सत्य। उन्होंने यहाँ पर आके बाजी ने यहाँ पर आए तो 12 साल तक तब किया उन्होंने पांच पांडव ने जी जी। तो 12 साल तक करने के बाद फिर सुमती मास का बहुत इंतजार किया, मतलब उन्होंने सुमती मास आएगी तब स्नान करके हम नीचे उतरेंगे। यू जी जी जी। फिर पांच पांडव 12 साल तब करने के बाद वो सुमती मास आई नहीं, तो इतिहास देख देख अपने वेट करके थक गए वो अपने जी। तो फिर बाद में अपने पांचे बटन नीचे उतरने लगे कि भी हम सुमती मास आएगी नहीं। अरे 12 साल तक भी हमने इंतजार किया तो आई नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने नीचे उतरे तो वहाँ पे पहुंच सुमती मास जैसे नीचे सामने आ गई। ओ, तो आप जब भी नीचे हो तो देखना वहाँ पे चिड़ियों में एकदम उनके लगे हुए निशान लगे हुए है। वहाँ पर जो सुमती मास की गाय की सवारी थी, उन्होंने वहाँ पे भीम भी नीचे भीम भी मिले थे उनके। वहाँ पर पांडव सुमती मास ने पूछा पांडव से आप नीचे कहा उतरे, मैं अभी आ रही हूँ ऊपर। सोचा भी 12 साल आपका इंतजार किया तो आप आए नहीं, फिर आप अभी नीचे आ रहे हो। जी उन्होंने क्या आपका और मेरा प्रश्न पूरा हुआ, हम बाबा ऊपर नीचे आ गए तो ऊपर वापस नहीं चढ़ेंगे आप। सत्य सत्य। तो उन्होंने बोला कि अपना आपका और हमारा मिलन यही पूरा हो गया, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न यहाँ पर हो गया। आप पांडव ने नाराज होकर श्राप दे दिया सुमती मास को कि भी आप काम करना कलयुग में आपका जो भी सुमती मास हो आऊंगी बहुत बार, लेकिन आपको इज्जत मान मनोवर नहीं रहेगा इतना का जितने 12 सतयुग में, मतलब 5 से 5 जैसे 12 साल में एक बार आती थी सुमती मास, जी जी 12 महीना 1-2-3 बार आ जाती है। मतलब जय हो जय। पांडव ने श्राप दिया था कि जब आपका आपका हमारा विलंब पूरा हुआ और श्राप दिया कि जहाँ आपका मतलब इतना 12 साल आपका इंतजार किया आप आए नहीं, तो हम श्राप देते हैं आपको कि भाई 12 साल कलयुग में आपके इतना मान सम्मान नहीं रहेगा, 12 महीने कहीं आएगी कहीं जाएंगे आप। यू तो फिर पांडव वहाँ पे निशान देके घोड़ा दिया था वहाँ पे इन्होंने, वहाँ पे पहाड़े में नीचे ही, तो उन्होंने घोड़े का आज भी निशान है जी जी जी। निशान के बाद में पांडव भी गए अपने भिन्मा अपने दिल में हिमालय की पहाड़ की। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। पांच बार माता जी यहाँ पे आए, ये इतिहास पांच पांडवों के इतिहास है मैंने यहाँ पे। तो ये सामने शिवलिंग बने हुए शिवालय सब जी जी जी। हाँ, तपस्थी स्थल है, तपस्थली उनकी तपोभूमि रही है। पीपल थी यहाँ पे जी, बहुत बड़ी पीपल थी, सोने की पीपल बोलते हैं यहाँ पे। ओह, ये सोने की पीपल है। हमारे बाजी थे तपोपुर जी बाजी जी, जैसे उनका निरंजन है, कोई निराकार, उनका कोई आकार कोई कहाँ से आए की करे कोई पता नहीं उनका। हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने मेन यहाँ पर भूमिका उन्होंने बाजी बताई जी, मंदिर की जो मेन
जैन इतिहास उन्होंने रचाई थी, ये उनका ही सहारा बना हुआ है। समाधि ली हुई है ये, किन समाधि वहां पे ली हुई है? कौन सा ये तपोवन? नहीं सवाल ही नहीं है वासी, नमन करें हम हृदय से नमन करें वासी को। हाँ में तो नहीं चढ़ेगा सी। और आप किन की है वापसी? ये बाबू जी हमने नंदी से दोनों जी, यहाँ पे महात्मा जी है, भगवानपुरी जी बाबू जी है, भगवानपुरी जी। मैंने कीर्ति स्तंभ किया था वैसे, लिखा शिवालिक पे लिखा हुआ सब। हाँ हाँ हाँ, चलिए ये तो लगता है बात बहुत पुरानी होगी, लिखा है। और नीचे वापसी किनका बता रहे? इमानपुरी जी शिष्य है। अच्छा अच्छा, उन्होंने कीर्ति स्तंभ किया था। कीर्ति स्तंभ का मतलब जब कोई कीर्ति ऐसे कोई कहे होंगे ना, तो हाँ किया था कीर्ति स्तंभ। ठीक है स्वामी, एक बात यहाँ की बहुत चर्चित है कि अगर कोई पागल कुत्ता खाता है तो क्या क्या है वापसी, इसके बारे में आप कुछ थोड़ी जानकारी दें। यहाँ पर हमारे बाबू जी थे तपोपुर निरंजन बाबू जी जी, तो उन्होंने बाबू जी ने मेन प्रसाद दिया था। हाँ आपने संत जी समाधि बाबू जी, ओह जय हो। तब से यहाँ पर उन्होंने बाबू से बहुत तपस्या की, 12-13 साल तपस्या की थी उन्होंने जी जी। तो तपस्या होने के बाद बाबू जी ने फिर यहाँ पर, लोग सब काशी जाते थे पहले, हाँ कोई साधन वगैरह नहीं थे जी जी जी, पैदल यात्रा थी उनकी पहले। सत्य सत्य, बाबू जी ने सोचा अम्मी मैं भी काशी जाके आ जाऊँ। हाँ हाँ, यहाँ पर यहाँ से यात्रा की उन्होंने काशी जी, लगभग 6 महीने 2 महीने पुणे पहुंचे होंगे बाबू जी पहले। हाँ हाँ, तो पहले मंत्र से जाते थे, कैसे उन्होंने डायरेक्ट पहुंचे 6 महीने के, जैसे देख 2-4 दिन में पहुंचे होंगे जी 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 जी। तो बाबू जी वहाँ पहुंचने के बाद गाबर को सर पंडित जी वगैरह होंगे, वहाँ तो बहुत इतिहास चल रहा था कोई ऐसा कुछ जी जी जी, यहाँ के इतिहास को याद। तो वहाँ पर बैठे उन्होंने पूछा होगा आप कहाँ से आए जी जी, तो उन्होंने पूछा कि हम माउंट आबू अपने झाड़ी में, माउंट आबू पहले आबू पर्वत था पूरा जी, तो फिर सिरो जिले के आबू झाड़ी वहाँ पे आए हुए हैं जी जी जी। क्योंकि वहाँ पर जगह हम वीर क्षेत्र मनादर गाँव में, होलीवीर गाँव है ऐसा उनके बोला वहाँ पे जी। क्योंकि वीर क्षेत्र वहाँ था कि बाबा से झाड़ी अपने मंदिर काशी महादेव मंदिर है वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हाँ वही से आए हुए होके। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे एक मन दस्ता है, यहाँ पे सुनने की पीपल है, तांबे वर्ण पर्वत है जी जी जी, और दूध वर्णी गंगा, मतलब ये तो पर्वत का क्या नाम बताया? तांबे वर्ण पर्वत, तांब वर्ण पर्वत, ठीक है। और चूना वर्णी पीपल है। हाँ 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 हाँ, अच्छा सोना वर्णी पीपल है। इस कुंड का क्या इतिहास है वासी? जी जी, फिर उन्होंने वहाँ पे इतिहास बताया, उन्होंने बोला पंडित जी, तो उन्होंने इतिहास बताया उन्होंने कि ये वहाँ पे चीज है। तो उन्होंने बाबू जी ने बोला कि भाई वहाँ पर मैं इतने 12 साल तब की मैंने, पर वहाँ पे ऐसे इतिहास देखा नहीं कभी, सोने की पीपल है, तांबे का पर्वत है, और दूध बनी गंगा है। तो उन्होंने बोला पंडित जी वहाँ के होंगे, तो उन्होंने पूछा कि भाई वहाँ पे मेरा रियल इतिहास यही है कि, और साक्षात भगवान शिव विराजमान है वहाँ पे, और सुन्नी पीपल है सब, यहाँ पे दृष्टान है। तो बाबू जी ने बोला मैं 12 साल तब की वहाँ पे तो देखा नहीं, तो ये काम करो आप वहाँ पधर वापस, और जाके वह कुंड में गुण का जल लेके, और तांबे का कंकर है पीपल आप लेके आओ यहाँ पे काशी में, फिर आपको बताऊंगा मैं जी। तो उन्होंने जो दंड कमंडल साथ में था बाबू जी के, तो उन्होंने वही गंगा में वहाँ विसर्जन किया उन्होंने। और फिर दंड कमंडल विसर्जन करने बाद बाबू जी पुनः यहाँ पे आए, पुनः पढ़ने के बाद बाबू जी यहाँ से दंड कमंडल जल यहाँ पे देखे पधारे यहाँ पे, तो उस गंगा का कुंड तैरता हुआ दिखा वो दंड और कमंडल जी जी जी। फिर बाबू जी ने गंगा से कुंड कमंडल में पानी लिया, और फिर कंकर 4 कंकर उस पहाड़ के लिए, फिर उन्होंने पीपल पन्ना का पिन्ना जो पन्ना लिया यहाँ पे जी जी। होने के बाद फिर बाबू जी ढक्कन उसार ढक्कर रखे वापस गए बाबू जी वहाँ पे जी। तो वहां जाकर बाबू जी ने उनको मना बोला था कि खोलना मत वहाँ आके जी। बाबू जी वहाँ आके उन्होंने खोला, हाँ। पंडित जी ने देखा तो गाय का ताजा दूध निकला, और अपने पीपल जो सोने का निकला, और जो अपने कंकर तांबे के निकले। फिर बाबू जी ने बोला ऐसे ऐसे कैसे हो गया, तो बाबू जी समझकार हो गया वहाँ पे। तो पंडित जी ने बोला कि रियल इतिहास, बाबू जी ने बोला कि मैं इतनी 12 साल तब की मैंने तो यहाँ पे इतिहास इतना देखा नहीं, तो बाबू जी यहाँ पर मुझे झूठ क्यों किया, क्यों किया मैंने जी। फिर बाजी बाबा दृष्टान देख के बाजी वापस आ गए, तो आने के बाद बाबू जी ने दर्शन करे बाबू जी को, मतलब बाबू जी को बुरे बनने लगे, बोलने लगे कि बाबू मैंने 12 साल तब की, बाबू मुझे इतना समझकर बताया नहीं आपने, वहां जाके मुझे झूठा क्यों किया बाबू ने। फिर बाबू ने बोला बाबू कोई बात नहीं, कभी ऐसे बता देता आपको तो काशी से मिलान कैसे होता कि काशी का नहीं। सत्य सत्य। फिर उन बाबू ने यहाँ पर सोचा कि बाबू मेरे मैंने झूठ बोला, पहले झूठ बोलते थे ये सब पाप से जमते थे, इतना मैंने बड़ा पाप किया यू। बाबू जी ने वापस दृष्टा बनाया कि मैंने बाप ऐसा पाप किया तो मेरा पाप कैसे उतरेगा, तो उन्होंने खुद चेहरा बनाया कि बाबू जो अनजान में पैर देगा तो वो अपने पाप जैसे हो जाएगा। इनका क्या इतिहास? फिर उन्होंने यहाँ पर बाजी आने के बाद भी उन्होंने बोला कि बाजी काम करो मेरे को, मैं तो जीव समाधि ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई स्थान कोई पुजारी वगैरह महात्मा जी होंगे तो जीव समाधि ली, जीव समाधि मेरी खोलो, जीव समाधि खुलेगी उन्होंने। फिर उन्होंने कहा आपके जमा समाधि के बाद फिर महात्मा ने बोला यहाँ पर होंगे महात्मा, उन्होंने बोला हमारा आप तो पधारोगे हमारा क्या होगा, हमारा भी उद्धार करो बाबू जी। उन्होंने बोला काम करो यहाँ पे खड्डा खोदो, उन्होंने खड्डा खोदा यहाँ पे। फिर एक हाथ का कड़ा होता है ना,
हाँ। वो कदरा मंथन के मन के इसके अंदर कून के अंदर डाला था जी। तो फिर उन्होंने बोला बाजी के काम करने यहाँ पे कैसे भी पाक गुत्ता काटा हुआ आए लोग आएगा ना तो उस कून में पानी पिए तो ठीक हो जाएगा।